अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, लेकिन नहीं हूँ ठीक। ये आप देख रहे हैं, अभी स्कूल गया हुआ था, रास्ते में ही था और बारिश हुई है यहाँ पे और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा फिसलन थी। बाइक फिसली है, एक दफ़ा फिसली है, एक दफ़ा तो कंट्रोल हो गया, लेकिन दूसरी दफ़ा जब फिसली है ना तो कंट्रोल नहीं हुआ और मैं गिर गया। खैर, मुझे अभी चोटें अंदर लगी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, जो अभी मैं कपड़े चेंज करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कहां कहां लगी हैं, लेकिन जो ऊपर ऊपर लगी हैं ना वो एक यहां पे लगी है अंगूठे के ऊपर और यहां से ना रगड़ आ गई है हाथ पे, ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, और एक और यहां पे भी लगी हुई है, पहले भी यहां पे लगी हुई थी चोट ये, अब ये ना दौरा होने से रहा। ये देखें, यहाँ से पहले भी यहाँ पर ज़ख्म था और बाइक की भी बुरी हालत हो गई है। ये सामने देखें, टूट गई है इसका ये वाला डंडा जो है, ये भी टेढ़ा हो गया है, ये मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। और सबसे बड़ी बात जो है ना, आज मुझे हेलमेट के फायदे का पता चला है। सबसे बड़ी बात, मैं शुक्र करता हूँ कि हेलमेट मैंने पहना हुआ था। जिस तरह सर मेरा ज़मीन में लगा है ना, मतलब सड़क पर लगा है, वहाँ पर सारे पत्थर निकले हुए थे और मेरा सर जाके ना, मतलब हेलमेट मैंने पहना हुआ था और वहाँ पर लगा, तो वहीं पे मैंने शुक्र किया कि मैंने हेलमेट पहना हुआ है। आज इसकी अहमियत का पता चला है भाई, कभी भी ना भूलें हेलमेट पहनना, कभी भी ना भूलें। मैं तो अंदर जिंदगी, मैं तो पहले भी पहन के जाता हूँ, लेकिन मैं बाकियों को भी नसीहत करूँगा कि हेलमेट पहनना कभी मत भूलें। आज मैं सही सलामत जो घर आया हूँ ना, ये हेलमेट की वजह से आया, मेरा ऐसे सर नीचे जा लगा ये वाले साइड, शुक्र है हेलमेट पहना हुआ था जिससे बच गया। मैंने वहीं शुक्र किया, कभी शुक्र है भाई हेलमेट था। आज बड़ा खुश हुआ, जख्मी हुआ था मैं, लेकिन मैं खुश भी हुआ कि हेलमेट पहना हुआ है मैंने, मैं बच गया। तो अभी कपड़े उतारता हूँ, नहाता हूँ, पता चलता है कि कहाँ कहाँ और जख्म है, जाके टेटनस का टीका लगवाता हूँ और पेन किलर वगैरह जो है ना वो ले आता हूँ। लेकिन ये वाली जगह जो है ना रगड़ गई, ये ऊपर से ये वाली यहाँ से रगड़ा, ये यहाँ से भी यहाँ पे भी लगे, ये चोट ये इधर ऊपर गारा लगा हुआ है अभी तक, यहाँ पे भी लग गई, चोकड़े बाकी है, बाकी बचत हो गई है फिलहाल। आज सर्दी है ना, सर्दी से दर्द काफी हो रही है, यहाँ पे भी चोट लगी है, यहाँ पे जख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे कहते हैं ना सट लगी है, हाँ जी मोटा सोन सा लग रहा है मेरा, लेकिन वहाँ पे गंदगी काफी ज्यादा थी। मोटरसाइकिल वो सामने से थोड़ा सा टूटा है, बाकी बच गया। ये ऐसे जब चलता हूँ ना ऐसे, तो गोड़ा जो है ना वो फोल्ड करना, मतलब घुटना जो है फोल्ड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अभी ताज़ा ताज़ा चोट लगी है और इसने मज़ीद मुझे प्रॉब्लम करनी है अब, क्योंकि सर्दी आ गई ना, अब सर्दी में ये जैक मार जाते हैं गोडे। हाँ जी, ऐसे ही है। तो सुबह सुबह लाइट भी आ गई है, रात को तो लाइट बंद थी क्योंकि हुई है बारिश। और इधर अम्मा जी जो है ना कोई कपड़े निकाल रही है, मेरे कपड़े निकाल दें, मैं नहा लेता हूँ। सब कहते हैं नज़र लग गई है, नज़र लग गई है, अब क्या करें, ये नज़र लग गई है, नज़र कैसे दूर करें। किरण भी बीमार है, अब मैं भी गिर के आ गया हूँ, ये वाकई कोई नज़र होती है? होती है, बड़ी बुरी होती है भाई। ये देखें भाई, रात को जो बारिश हुई है ना, जिसकी वजह से सड़कों पे पानी जमा हुआ है, कोई आराम से आराम से। बुरी हालत हुई पड़ी है, बुरी हालत हुई पड़ी है, अब ख्याल से दोबारा ना गिरा देना, मुझे इतना डर लग रहा है ना बैठ के। तो भाई अभी जा रहे हैं हम टेटनस का टीका लगवाने के लिए, असद को साथ लिया है, बाइक चलाएगा ये, मुझे ले जाएगा। वैसे मौसम तो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन इस खूबसूरत मौसम ने मुझे दे दी है सजा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेहरबानी करे। ये देखिए बड़ी फसलें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ऊपर नीला आसमान, बार जो है ना शिद्दत कम है, मतलब कम जख्म हुए हैं, लेकिन जब पहले गिरा था उस दफ़ा तो भाई काफ़ी ज़्यादा जख्म हो गए थे। सामने फसलें आप देख रहे हैं, सारी फसलें जो है ना लेट गई हैं। मतलब
इंजेक्शन लगवा के अभी घर वापस पहुंच चुका हूं और अभी आया हूं छत पे। मैंने कहा सीढ़ियों पे चढ़ूंगा तो घुटना जो है ना थोड़ा मूव करेगा और इसकी जो जकड़ है ना वो कुछ कम हो जाएगी। रात को बारिश हुई है तो काफ़ी जो है ना माहौल सर्दी वाला हो गया, और जब गिरा हूँ तो उसके बाद तो मुझे मज़ीद सर्दी लगने लग गई, और ये वाला बाजू जो है ना मेरा कांपने लग गया था। अभी भी सुन्न है थोड़ा यहाँ से ना, इसलिए मैंने इस साइड पर टीका नहीं लगवाया। और अभी छत पर आया हूँ और धूप भी निकली हुई है, धूप की इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं है आज क्योंकि बादल भी साथ घूम रहे हैं और ठंडी हवा भी चल रही है, तो आज धूप सेकने का बड़ा मज़ा आ रहा है। गर्मी शर्मी लगवाता हूँ घुटने को, होप सो इसकी जो जकड़ है ना वो ठीक हो जाएगी। जल्दी आया मां जी, आपको एक चीज़ दिखानी है। हाँ। इधर देखें हमारी छत पे ना किसी ने टोना किया लगता है, ये यहाँ पे सुइयां फेंकी हुई हैं, ये देखें अभी मैंने देखी हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये कहाँ से आ गई इतनी। मैंने वो फिल्मों और ड्रामों में देखा है ना, वो सुइयां मारते हैं टोना करने के लिए ना। अच्छा, सुइयां मारते। मैंने समझा कि किसी ने टोना किया है, सुइयां मारी हैं इधर। हाँ जी, ये देख ले इधर भी तीन चार, एक नज़र आया मुझे इस तरह का पिन। मैंने कहा वैसे किसी ने फेंका होगा, फिर मुझे ना तीन चार नज़र आए। मैंने कहा वो जैसे रोटी में सुइयां मारना, गोश्त के टुकड़े में सुइयां मारते हैं टोने करने के लिए। औरतें पुठे पुठे काम करती हैं, मर्द तो ये काम नहीं करते, औरतें ही करती हैं। ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन इसका कोई पता चला है ये किसने किया ऐसा? पता है ऐसा घर चुकी से की तो ये जो मैं आज गिर के आया ना, मुझे इसलिए इन चीज़ों पे यकीन होने लग गया। तब कहते थे नज़र लगी है नज़र लगी है, मैं ऐसे ही ना इग्नोर कर रहा था भाई, नज़र शजर कुछ नहीं होती। आज गिर के आया हूँ तो अंदाज़ा हो गया कि कोई नज़र शजर होंदी है। और साथ ही ये चीज़ें मुझे नज़र आ गई हैं, ये पिंज। ओ मैंने कहा शायद किसी ने टोना शोना भी ना किया ऊपर से। ढोल कुटाइए ढोल तो भाई असि कोई ना कुटाया, मैनू असा दसी रखे साढ़े कमरे पिछू भाई मसरी की डाल सटी अल मेहर जाने मसान तो भाई कुछ नहीं हो, अल्लाह खैर करे अल्लाह बच्चे ने। चलें जी ये फिर उठा लें, जिसने किया है टोना उसका भलो, हमारे ये काम आएंगे। भाई मौसम खुशगवार हुआ है ना, बारिश हुई है तो ये देखें सब्ज़ा कितना खूबसूरत लगने लग गया है और फूल बहुत ज़्यादा निकल आए हैं। ये देखें यहाँ पे भी काफ़ी फूल निकले हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत पौधा बना हुआ है ये। इधर ये वाला पौधा ये भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, इसी तरह ये वाला माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, ये वाला पौधा जो है ना इस पौधे के ऊपर आ गया है, मतलब वो इसके ऊपर झुका हुआ है, तो जिसकी वजह से ना ये अंजीर का पौधा इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। और इसके ऊपर देखें ये अंजीर भी लगी हुई है, छोटे से पौधे के ऊपर अंजीर लग गई है। तो अब इसका कोई जुगाड़ सोचना है कि ये दोनों पौधे जो हैं हमारे नुकसान भी ना हो और ये ग्रोथ भी अपनी जारी रखें। इस टाइम अंजीर की काफ़ी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये देखें इसमें थोड़ा सा झुकाव आ गया है, ये इस तरफ जा रही है। ये वाला पौधा हमारा ना बहुत कीमती है क्योंकि ये फलदार है और ये है फूलदार। कीमती तो दोनों ही हैं, लेकिन हमने फलदार को ज़्यादा फोकियत देनी है। तो इसका कुछ करते हैं, या तो इसको यहाँ से निकालते हैं, बड़ा सा चल्ला बना के इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, या फिर इसकी ये वाली जो साइड है ना इसको काटना पड़ेगा ताकि ये ऊपर निकल जाए। उसके बाद ये छोटा ही रहता है, इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, लेकिन अंजीर की तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। ना गाड़ी काफ़ी ख़राब हो गई थी तो इसको अभी यहाँ धो के खड़ा किया हुआ है ताकि ये खुश्क हो जाए। और इसका जो कल मैंने रिमोट ठीक करवाया है, ये देखें हमारे पास दो रिमोट हैं,
एक एक्स्ट्रा वाला ये और एक ये जो मैंने चाबी में डाला हुआ है। पहले हमारे पास एक ही रिमोट था तो जिसकी वजह से ये हमें चेंज करवाना पड़ा। दूसरा रिमोट होता तो शायद चेंज ना करवाना पड़ता क्योंकि डिवाइस ठीक थी, सिर्फ रिमोट ख़राब हो गया था। पहले तो हमारी डिग्गी का फंक्शन जो है ना रिमोट के साथ कनेक्ट नहीं था, लेकिन इस दफ़ा मैंने रिमोट के साथ इसका फंक्शन भी कनेक्ट करवाया। ये देखें ये खुल गई, मतलब अब हम बाहर से ही खोल सकते हैं। आंटी जो है किचन का काम करने वाली वो आ गई हैं। पहले तो उन्होंने दो दिन छुट्टी की है क्योंकि बारिश होती रही है, और आज फिर धूप निकली हुई है और मौसम जो है काफ़ी बेहतर हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि बारिश शायद नहीं होगी, तो अभी बनाने लगी हैं शेल्फ़। जो शेल्फ़ है हमने लगानी है वहाँ पे। ये जितना हिस्सा दो चूल्हों का बनता है ना वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इतनी ही लेंथ में हमने यहाँ पे शेल्फ़ लगानी है इस जगह पे। वो अभी शेल्फ़ बना रही हैं इधर। ये देखें नीचे उन्होंने पहले जगह को लेवल किया है, ऊपर भूसा वगैरह डाला और अभी वो गारा ला रही हैं। ये काने हमने छीले हैं, ये काने जो हैं इस शेल्फ़ में डालेंगे ताकि वो मज़बूत बने और टूटे नहीं। और भाई देखें इधर किचन को हमने इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है क्योंकि बारिश वगैरह हुई है, तो हमने यहाँ पे लकड़ियाँ और जो भी बस खराबा था वो सारा इधर ही रख दिया है और आग भी जलाना शुरू कर दी है। मिट्टी का वो पोचा सा मारते हैं ऊपर जिससे ना इसका कलर ठीक हो जाएगा। पहले घारे की तह लगाइए, उसके बाद ये काने जो हैं इनकी तह लगाइए, और इतनी चौड़ाई हमने रखी है तकरीबन ये है 8 या 10 इंच। ऊपर से फिर घारा लगाया जा रहा है। ये तुसी काम की तुसी सीखे आई या आप ही सीखे आई? जी आप ही मैं शौक होता ही हर शायद, मतलब काम कार करके जी कार कार के तजर्बे आए मत। तो ये देखें भाई शेल्फ हमारी तैयार हो चुकी है। ये इतनी इसकी मोटाई और इतनी इसकी लंबाई, वो सामने आएगी। एक छोटा और गिलास इधर ना उनसे ये छोटी। तो चलिए भाई आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।